शांति। आज की तारीख है 5/7/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है चलो हम आज चलते हैं ड्रामा की टिक टिक करने वाली घड़ी के साथ। घड़ी क्या कहती है? समय बताती है। तो समय के साथ हम कितना हैं ये आज हम देखेंगे। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, इसकी टिक टिक होती ही रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे पार्ट से। इस यथार्थ समझकर सदैव हर्षित रहना है, क्योंकि ये वैरायटी ड्रामा है और इसीलिए किसी भी एक्टर का एक का पार्ट न मिले दूसरे एक्टर से। अच्छा प्रश्न है आज का, किस युक्ति से तुम सिद्ध करके ये बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर है, देखो बाबा हमें सेवा कैसे वाचा से करना और क्या समझाना क्या सुनाना वो भी सिखाते। किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, तो समझ जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, इस समय ही यानी ये संगम युग पर ही बाप समान परफेक्ट बन, संपूर्ण बन, समान बन, पूरा वर्षा लेना है। बाप की सभी शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। तो बाबा कहते बाप समान कैसे बनो। नंबर है दो, बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए क्या करें? पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, यानी रोज बाबा की जो ज्ञान मुरली चलती है उस पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान पास करना है। वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो क्या करना है? क्या हमें उसको ग्लानी के सामने हमें भी उसकी ग्लानी करनी है? क्या हमें भी उसका अकल्याण करना है? क्या हम भी उसको गाली देने लग जाएं? नहीं, तो क्या करें? तो बाबा कहते हैं भले वो ग्लानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। आप अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्मों तक गाली दी, फिर भी बाप ने क्या किया? कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर, तो बाप ने हमारे ऊपर अपकारियों पर उपकार किया, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही ये है कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी हो नहीं। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। बाबा को मन ही मन याद करें, ऐसी स्थिति में रहें, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे।
हाँ कितनी गुह्य राज की बात बाबा ने बताई। यदि हम मन मना भव की स्थिति में स्थित होंगे तो औरों के मन के भावों को हम सहज जान जाएंगे, समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।